आज मैं आपको डेमेंशिया की एक पेशेंट की स्टडी बताने वाला हूँ और वो पेशेंट बताने वाला हूँ उसके रिलेटिव के साथ में, ताकि उनको तकलीफ क्या हो रही है आपको समझ में आएंगे उनके भाषा में, उनके शब्दों में। तो आइए, आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसनमुक्त भी हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। डेमेंशिया ऐसी बीमारी है कि जिसमें याददाश्त आदमी भूल जाता है। स्पेशली अल्जाइमर्स डिजीज जो है उसमें धीरे 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 बढ़ती हुई बीमारी है। उम्र के हिसाब से, मतलब जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे वो ज़्यादा दिखाई देती है। और इसमें भुलक्कड़पना आता है। स्पेशली भुलक्कड़पना जो अभी रिसेंट एविडेंस, मतलब जो रिसेंट इंसिडेंसेस हुए हैं, क्या सवेरे क्या खाया, कल शाम को क्या खाया, कल कौन मिला, आज सवेरे कौन मिला, मतलब इसमें उसको भुलक्कड़पना आते रहता है। वो रास्ता भूल जाता है, वो टॉयलेट को कहाँ जाना भूल जाता है। और धीरे 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 ब्रेन जो है ना वो एट्रोफी होता है। एट्रोफीड मतलब छोटा हो जाना। और उसमें फिर बहुत ज़्यादा बढ़ने से रास्ता समझता नहीं है, लोगों को पहचानना होता नहीं है, रास्ता भूल जाते हैं। कभी कभी टॉयलेट भी कपड़े में कर देते हैं, मतलब पेशाब तो वो भी अपने कपड़े में कर देंगे, उसका भी उनको भान रहता नहीं है, वो कहाँ जाना टॉयलेट वो भी याद रहता नहीं है। देखिए पेशेंट को बताइए। हाँ, इनको दिमाग नहीं है। हाँ, इसको रुचि नहीं है। हाँ, ख्याल नहीं रहता। हाँ, ख्याल रहता नहीं। हाँ, इसको नींद लगती नहीं। हाँ, इसको नहाने का स्वच्छता का कोई नॉलेज नहीं। हाँ, नहाना नहीं, स्वच्छता नहीं। हाँ, नॉलेज नहीं उसका कुछ। नींद लगती नहीं। नींद नहीं लगती। पहचानती नहीं। पहचानती नहीं किसको? सिर्फ पति को और बड़े छोकरों को पहचानती। पति को और बड़े छोकरों को पहचानती। बाकी घर में किसी को पहचानती नहीं। घर में किसको पहचानती नहीं? हाँ, डर लगता है उसको। हाँ, क्या डर लगता है? हाँ, तो कोई बोले उधर से कोई आ रहा है। हाँ, कोई भाई दिखती, कोई अमुक दिखता है, चिल्लाती वो। कोई दिखता है उसको? हाँ, कोई कहाँ से आ रहा, कोई कुछ कर रहा है, चिल्लाती श्री। हाँ, ये उसको मिलता है। खाना खाती? खाना मामूली खाती। मामूली खाना खाती। सिर्फ दूध और रोटी खाती, वो चावल नहीं, अपना वो टिकट विकट कुछ खाती नहीं। हाँ, तीखा वगैरह कुछ खाती नहीं। नहीं नहीं नहीं। कपड़े में पेशाब करती? नहीं, पेशाब नहीं करती। दिन में 100 बार पेशाब हो जाती। पेशाब हो जाती 100 बार? कभी संडा सही कभी पेशाब आती तो उसको संडा को पेशाब समझ पाती। पेशाब को संडास बोलती है। हाँ, पेशाब को संडास बोलती है, संडास को पेशाब बोलती है। कितने दिन हो गए ऐसा चालू है इसको? अब ये नहीं नहीं, ये अभी दो साल से हो रहा है। 2 साल से ऐसा हो रहा है। हाँ, तो तुम्हारे वो ठाकरे साहब का ठीक है। तब इसको मैं दवा देता हूँ। इनका भी हमने जो निकाला है ना, तो ये देखो, ये ईजी है, ये ईजी है ना। तो अभी ईजी निकाला है, अभी इसमें तो ऐसा कुछ खास निकला नहीं है ना ईजी में। तो अलग अलग टेस्ट है, जैसा स्मृति की टेस्ट है, फिर ये बुद्धिमता की टेस्ट है, फिर डेमेंशिया की टेस्ट होती है। इनको डेमेंशिया जो है ना, वो डेमेंशिया की बीमारी है, अल्जाइमर्स डेमेंशिया। हाँ, अब इनकी उम्र कितनी बताया आपने? इसको 1944 की उम्र है। ठीक है, ठीक है जी। तो काम ये तो जैसा मैंने बताया, ये ईजी है, और फिर ईजी में, ईजी के बाद में ऐसा लगा तो और कुछ टेस्ट वगैरह कर लेंगे, है ना? ठीक है, ओके। और आओगे ना? आओगे ना? हाँ, आप आना, अभी हम दवा लिख के देते आपको, देखते कितना फायदा होता है। तो इनको इतना ही करना है कि रात को इनको अंधेरे में सुलाने का नहीं, अंधेरे में है। ठीक है ना, अंधेरा नहीं करने का है। नहीं, अंधेरे में नहीं। और उनको लोगों के बीच में रखना, अकेले अकेले रखने का नहीं है ना, लोगों के बीच में रखो, अकेले नहीं रखना इनको। ठीक है, ठीक है। और इसको रोटी पकाना जमता नहीं, रोटी पकाना नहीं आता। दिन भर क्या करती है? दिन भर वो क्या करते? दो पहले चावल गेहूँ, दिन भर सुनती रहती, डबल 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 2 किलो अगर गेहूँ रहे तो उसको 10 बार। ठीक है, और ये अपना सारा करती हूँ सवेरे उठकर। हाँ, काम में दिल लगता है। ठीक है, काम में दिल लगता है उसका। हाँ, काम में दिल लगता है। काम में दिल लगता है। मेन बात ये की पहचानती नहीं लोगों को ना, नहीं पहचानती नहीं। अब उसकी छोकरे आते ना, मुलाकात के आते जिन्हें कौन है, कितने सामने से बदला है समूह, अपने खुद के बच्चे भी बोल नहीं सकते कौन है। ठीक है, तो ये पेशेंट को इलाज करना वैसा कठिन है, क्योंकि डेमेंशिया और ये स्पेशली अल्जाइमर डेमेंशिया जो है
उसका मतलब हम क्या है कि उसको ज्यादा बढ़ावा और बढ़ेगा उसके लिए हम कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब ये बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं दवाई देके, मगर कंप्लीटली क्योर नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा क्योर इसके लिए अभी अल्जाइमर्स के लिए उपलब्ध नहीं है। अभी मैंने जो ये पेशेंट है इनको दवाई वगैरह लिख के दिया और उनको ये बोला कि भाई उनको रात में अकेले मत छोड़ो। रात में क्या होता है कि पेशेंट लोगों को ज़्यादा तकलीफ होती है, उनका ओरिएंटेशन बिगड़ जाता है, अकेले छोड़ने का नहीं, रात में अकेले छोड़ने का नहीं, रात में अंधेरा करने का नहीं, ऐसा उनको सजेशन दिया और दवाई लिख दिया और उनको बाद में फिर एक महीने बाद में फिर से रिपोर्ट करने के लिए कहा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।